गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर एसएसटी टीचर ऑफ क्लास वन। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच इज ऑन पेज नंबर 10। ओपन पेज नंबर 10। फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका वी ऑल वियर, हम क्या पहनते हैं? क्लॉथ्स, कपड़े पहनते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। सेकेंड, वी वियर डैश क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। हम ठंडों में कौन से कपड़े पहनते हैं? हम ठंडों में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। थर्ड, डैश क्लॉथ्स कीप अस कूल। कौन से क्लॉथ हमें ठंडक पहुंचाते हैं? कॉटन क्लॉथ्स हमें ठंडक पहुंचाते हैं। और हम कब पहनते हैं इन्हें? अब हम इन्हें समर्स में पहनते हैं। और अभी भी अब क्या चल रही है? समर्स चल रही है, तो हम कौन से टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं? हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। आपको इस बॉक्सेस में, बॉक्सेस के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेस आपको क्या करना है? यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है इन पे आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें फिलअप करने हैं, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं, वी वियर डैश क्लॉथ्स इन समर सीजन। हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं समर में? कॉटन क्लॉथ्स। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? कॉटन। सेकेंड, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन डैश सीजन। वूलन क्लॉथ्स हम किस सीजन में पहनते हैं? विंटर सीजन में, ठंडों में। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? विंटर। थर्ड, वी वियर अ डैश वाइल गोइंग आउट इन रेन। हम जब बारिश में जाते हैं तो हम क्या पहनते हैं? रेन कोट, ठीक है। नाउ फोर्थ इज वी वियर क्लोथ्स टू डैश आर बॉडी। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? जिससे हमारी बॉडी कवर हो सके, ढक सके। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ? कवर। नाउ सी एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं तो आप क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। और अगर आपको लगता है कि ये गलत हैं तो आप क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स। नाउ फर्स्ट, क्लोथ्स मेक अस लुक एंड लुक स्मार्ट एंड हैंडसम। जो कपड़े होते हैं उससे हम स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। सो क्या ये बात? ये बात सच है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? टी मतलब ट्रू। सेकेंड, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन समर सीजन। जो हम ऊनी कपड़े होते हैं वो गर्मियों में पहनते हैं? नहीं, वो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। तो क्या हो गया? हमने यहाँ फॉल्स लिख दिया, एफ। कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल। जो कॉटन क्लॉथ्स हैं मतलब गर्मियों के जो कपड़े होते हैं वो हमें ठंडक पहुँचाते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो हमने क्या लिख दिया? टी लिख दिया। फोर्थ, वी वियर अ नाइट ड्रेस वाइल गोइंग टू पार्टी। हम जब पार्टी में जाते हैं तो नाइट ड्रेस पहन के जाते हैं? नो, हम तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। तो ये क्या लिख हो गया यहाँ पे? एफ मतलब फॉल्स। फाइव, पीपल डूइंग स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म। जो लोग जॉब्स के अनुसार अपनी अपनी ड्रेसेस पहनते हैं, सो ये क्या है? ये भी सच है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? ट्रू मतलब टी। नाउ डी, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मैचिंग करनी है। सो विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? वूलन क्लॉथ्स, तो वन। समर सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स, तो टू। रेनकोट कब पहनते हैं? जब हम बारिश हो रही होती है, तो थ्री। पार्टी ड्रेसेस कब पहनते हैं? जब हम शादियों में जा रहे होते हैं, तो वेडिंग, फोर। यूनिफॉर्म्स कब पहनते हैं? कोई स्पेशल प्रोफेशन, जैसे बच्चे अपनी यूनिफॉर्म स्कूल की पहनेंगे, पुलिस ऑफिसर अपना स्कूल का अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे, डॉक्टर अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे, नर्स अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगी। ऐसे ही अलग अलग प्रोफेशन, स्पेशल प्रोफेशन, अपने अपने काम के अनुसार लोग अपने अपने यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। तो ये है फाइव। थ्री, फोर, वन, फाइव, टू। नाउ ई इज योर क्वेश्चन आंसर। आपको ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से करने हैं? ये आपके चार क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने आप करके ढूंढ के करने हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, जो 7 days का आपको मिलेगा उसमें से, सैटरडे को मिलेगा जो आपको, उसमें इसके आंसर्स होंगे। उसमें से आप देखकर अपनी फेयर कॉपी में, कॉपीज में आपको लिखने हैं और फिर क्या करना है? आपको लर्न करना है।
for the examination. Okay, so this is the exercises of the chapter. In the next video we will do the next chapter. Okay class, thank you and have a nice day. Goodbye.